कक्षा नवम की हिंदी की वेला में आपको जयशंकर प्रसाद की जीवन के विषय में जानकारी देंगे। कृपया सभी भैया बहन ध्यान पूर्वक सुने और समझें। परिचय की एक दृष्टि में हमारा शीर्षक है भैया बहनों पंडित जयशंकर प्रसाद, नाम जयशंकर प्रसाद, पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, जन्म सन 1890 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, शिक्षा कक्षा 7 तक स्कूली शिक्षा, भाषा ज्ञान भैया बहनों अंग्रेजी हिंदी बंगला और संस्कृत, लेखन विधा उपन्यास कहानी नाटक काव्य आलोचना, भैया बहनों भाषा शैली, भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली काव्यात्मक संगीतात्मक प्रमुख रचनाएं, कामायनी लहर झरना चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव सावरी, कंकाल तितली आकाशदीप इंद्रजाल, निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी। जीवन परिचय भैया बहनों बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1990 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद, स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने बालावस्था में ही अपने माता पिता के साथ काशी की यात्रा की थी। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता का निधन हो गया। ऐसी अवस्था में भैया बहनों प्रसाद जी की देखभाल का भार उनके भाई शम्भू रतन पर आ गया था। उस समय प्रसाद जी क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। इसके पश्चात उनकी पढ़ाई का प्रबंध घर पर ही कराया गया था। प्रसाद जी ने घर पर ही हिंदी उर्दू फारसी की शिक्षा प्राप्त की। भैया बहनों दुर्भाग्य से 17 वर्ष की आयु में उनके भाई की मृत्यु अर्थात वे इस संसार को छोड़कर चले गए। अब भाई की मृत्यु के पश्चात प्रसाद जी पर समस्त परिवार का भार आ पड़ा, परंतु प्रसाद जी ने अधिक चिंताओं से घिरे होने पर भी साहित्य सृजन से मुख नहीं मोड़ा। क्षय रोग से ग्रस्त होकर 15 नवंबर सन 1937 को काशी में ही इनका निधन हो गया। उस संबंधित प्रश्न भैया बहनों प्रश्न नंबर 1, प्रसाद जी का जन्म कब और किस परिवार में हुआ था? उत्तर, सन 1890 ईस्वी में काशी के संपन्न वैश्य परिवार में इनका जन्म था। प्रश्न नंबर 2, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? उत्तर, कामायनी महाकाव्य। प्रश्न नंबर 3, कामायनी किस कवि व काल की रचना है? भैया बहनों
कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी काव्य की रचना है। छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? उत्तर, भैया बहनों, छायावाद का प्रवर्तक पंडित जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। जय जय।